अग्निवीर योजना आ जाने के बाद अब भारतीय जवानों की भर्ती इसी स्कीम के तहत होती है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी को अग्निवीर योजना को लेकर कई बार घेरा भी था। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी ने एनडीए की सरकार बनाई, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी सरकार बनाने के बाद अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग की है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीर योजना लागू होने के समय कहा था कि समय समय पर इस योजना का रिव्यू किया जाएगा, अगर इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी किया जाएगा। अग्निवीर योजना को लागू हुए 1.5 साल का समय हो चुका है। रक्षा मंत्रालय इन 1.5 सालों में इस अग्निवीर योजना को रिव्यू कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA ने अग्निवीर योजना को लेकर तीनों सेना से रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निवीर योजना के 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाने, भर्ती में बढ़ोतरी करने और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। इसके साथ ही अगर किसी अग्निवीर की ट्रेनिंग या ड्यूटी के दौरान मौत या घायल हो जाता है तो इस कंडीशन में परिवार को आर्थिक सहायता देने को भी लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा रेगुलर सेना के जवानों और अग्निवीर की छुट्टियों में हो रहे अंतर में भी बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि सेना के सामान्य जवान को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को केवल 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अग्निवीर के पहले बैच के कार्यकाल को पूरा होने में अभी 2.5 साल का समय बचा है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की यह प्राथमिकता है कि अग्निवीर योजना में बदलाव का फायदा इस बैच को भी मिले, इसलिए वे इस बैच के कार्यकाल पूरा होने से पहले नए योजना को लागू करवाना चाहते हैं। अग्निवीर योजना लागू होने से पहले भारतीय सेना को नेपाल से गोरखा सैनिक आसानी से मिल जाते थे, लेकिन भारतीय मूल के गोरखा सैनिकों में कमी आ रही थी। वहीं अग्निवीर योजना लागू होने के बाद यह आंकड़े उल्टे हो गए हैं। अब भारतीय मूल के गोरखा सैनिक आसानी से मिल रहे हैं, लेकिन नेपाली गोरखा सैनिक नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में कुछ खटास भी आ गई है। जानकारी के अनुसार अग्निवीर योजना में होने वाले बदलाव से नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना में मिलना शुरू हो सकते हैं। इसके साथ ही अग्निवीर योजना में बदलाव से नेपाल की भी इस योजना को लेकर चल रही नाराजगी दूर हो जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।